राजनीति यदि की जानी चाहिए, और मैं विरोध पक्ष से भी कहना चाहता हूं, राजनीति यदि की जानी चाहिए तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जानी चाहिए, राजनीति यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। और मैं बधाई देना चाहता हूं यहां के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को, जो इस मामले में उन्होंने पहल की है। दूसरी चीज, ला कमीशन ऑलरेडी सारे देश भर में इस पर बहस कर रहा है। बहनों भाइयों, हम किसी भी सूरत में हिंदू मुसलमान ईसाई के आधार पर देश को बांट नहीं सकते। हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, सभी भारत माता के सपूत हैं, सभी भारत माता के सपूत हैं, सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं। हमें बहुत सारे लोगों को मुस्लिम समुदाय के लोग भी वोट देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वह गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि इससे बचने की जरूरत है। कभी कभी कुछ विदेशी ताकतें भी आगे बढ़ते हुए देश को कमजोर करने के लिए कुछ इस प्रकार की नापाक हरकतें उनके द्वारा भी की जाती हैं, कराई जाती हैं, उनके सिस्टम होते हैं। हम यहां सामाजिक समरसता चाहते हैं, सोशल हार्मनी चाहते हैं देश, और चाहे जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग यहां पर सोशल हार्मनी, सामाजिक सौहार्द पैदा करेंगे। और यह भाव मेरे अंदर क्यों है, वह इसलिए है कि भारत दुनिया का अकेला देश है, दुनिया का अकेला देश है जहां के ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य यदि किसी ने माना है तो भारत ने माना है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो। अरे मैं बताऊंगा आपको, मुस्लिम समुदाय के 72 फिरके मुस्लिम देशों में नहीं पाए जाते, पाए जाते हैं तो केवल और केवल भारत में पाए जाते हैं। मेरे बहनों भाइयों, इस्लाम के 72 फिरके भारत में पाए जाते हैं। जो भारत विश्व को ही परिवार मानता हो, वहां पर द्वेष पैदा करना, हमारे लिए मुस्लिम भी हमारा भाई है, ईसाई भी हमारा भाई है, यहूदी भी हमारा भाई है। और आप लोगों से भी कहूंगा, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक रिश्ता अच्छे बनाकर हमको काम करना चाहिए, उत्तेजना में हमको कभी नहीं आना चाहिए। यदि हमारा अल्पसंख्यक समुदाय का भाई, यदि कभी कुछ मान लीजिए किसी ने बरगला दिया, कुछ कर रहा है, तो उसको समझाना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।